हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है क्योंकि मार्केट तो अभी हाफ गिरा है। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, अगर आपने ऐसे स्टॉक को ख़रीद रखा है तो वो आपको बिल्कुल डुबा के छोड़ेगा, अनलिस्टेड ही हो जाएगा दोस्तों शेयर मार्केट से। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो भी मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, फैक्ट और डेटा के न्यूज़ में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला न्यूज़ में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो एयर स्पेस कुड बी शट डाउन इफ़ कोरोना वायरस, मतलब कि दोस्तों ये साफ साफ बताना चाहता है कि एयर स्पेस जितने भी दोस्तों इंडिया में आने वाले या जाने वाले कहीं पर भी है दोस्तों, अगर बंद कर दिया जाता है एयर स्पेस तो वो ट्रैवलर जो होते हैं दोस्तों, ट्रैवलर एजेंसी कंपनी होती है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो कंपनी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चाइना का नेशनल हेल्थ कमीशन से रिपोर्ट आया है कि दोस्तों 327 लोग, मतलब कि 327 और भी ज़्यादा जो है जितने भी प्रॉब्लम हो रही थी वो और इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन रिपोर्टेड 327 न्यू कॉजेज एंड द 44 एडिशनल डेथ एज ऑफ थर्सडे। थर्सडे को दोस्तों 44, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं 44 लोगों का एडिशनल डेथ हुआ है। और दोस्तों कब हुआ था? थर्सडे को, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बताया जा रहा थर्सडे को। और मार्केट दोस्तों फ्राइडे को 1500 पॉइंट गिर चुका है सेंसेक्स, और 500 पॉइंट गिर चुका है दोस्तों निफ्टी। तो आप देख सकते हैं इसको, मतलब इजिली मत लीजिएगा दोस्तों, 44 लोग मर चुके हैं। तो अगर लोग मरते हैं तो आपको इसका इम्पैक्ट क्या होगा पता हो सकता है दोस्तों। अगर एक फैमिली में एक लोग अगर चले जाते हैं तो अगल बगल जो पूरा गांव वाले होते हैं, जो विलेज एरिया में होते हैं, सिटी एरिया में होते हैं दोस्तों, सब अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है ट्रेवलर एजेंसी के बारे में। एक मिनट, यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कौन से देश से आने और जाने के लिए, मतलब कि दोस्तों ट्रैवलर एजेंसी को कितना जो है परेशानी देखना पड़ रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड द न्यूजीलैंड हैव रिस्ट्रिक्टेड ट्रैवलर फॉर फॉरेन नेशनल ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा। चलिए मान लेते हैं कि दोस्तों आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन दोस्तों उन स्टॉक का क्या, जैसे कि थॉमस कुक हो गया, ऐसे जो स्टॉक है दोस्तों, मान लीजिए एयरलाइन, अभी इंडिगो हो गया, जेट एयरवे हो गया दोस्तों, ऐसे स्टॉक का जो प्राइस है बहुत भारी मात्रा में और गिरेगा। आपने अगर ख़रीदा तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, सावधान हो जाइए अगर आपने वैसे स्टॉक में ख़रीद रखा है तो। यहाँ तक कि दोस्तों बिग यूरोपियन कंपनी हैज़ बैन, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बैन बिजनेस ट्रेवलर एज कोरोना वायरस। तो दोस्तों कोरोना वायरस इतना डेंजर फैल रहा है, इतना डेंजर फैल रहा है कि दोस्तों एक कंपनी में अगर एक वर्कर का कोरोना वायरस से अगर वो अफेक्टेड हो जाता है तो पूरी कंपनी को बंद कर दिया जाता है दोस्तों। हाँ, आप इंटरनेट में बंद सर्च मार के देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया में ऐसा हुआ है, एक कंपनी में बस एक वर्कर का अगर कोरोना वायरस से अगर वो अफेक्ट हुआ है तो पूरी कंपनी को बंद कर दिया गया है। क्योंकि एक से दो फैलेगा, दो से चार, चार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना स्पीड में वो फैलेगा। तो देख सकते हैं हर जगह अपने बिजनेस में वो क्या किया जा रहा है दोस्तों, बैन कर दिया जा रहा है। ये तो हो गई अलग बात, लेकिन दोस्तों जितने लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं और वो दोस्तों एडमिट है, मान लीजिए कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पास डॉक्टर नर्स जाने से भी घबराते हैं कि कहीं उनको ना ऐसा वायरस लग जाए। तो ये एक ऐसा बीमारी है कि आप अगर उनके साथ रहोगे या साथ में जाओगे, घूमोगे फिरोगे, चाहे आप इतना देख लो कि अगर सामने से अगर आप चले भी जाते हो तो डर लगता है इंसान को, क्योंकि दोस्तों उसका एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो दोस्तों एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है, लेकिन दोस्तों नर्स, डॉक्टर ये भी जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे। तो दोस्तों हॉस्पिटल में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोरोना वायरस से तो चाहे जो भी हो बचना ही है। और यहाँ पर देख लीजिए जितने भी ट्रैवलर हैं दोस्तों, उनको वार्निंग दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, वार्निंग ट्रैवलर्स अबाउट विजिटिंग, मतलब कि दोस्तों साफ साफ यहाँ बात बता दिया जा रहा है कि जो विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको वार्न कर दिया जा रहा है कि भाई आप आ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बैन कर दिया जाएगा। जितने भी एयरपोर्ट है अगर बैन कर दिया जाएगा तो आप सोच सकते हो ऐसी कंपनी को कितना नुकसान होगा, थॉमस कुक जैसे कंपनी को कितना नुकसान होगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रैवलिंग में इंक्लूडेड है दोस्तों, इंगेज्ड है।
और यहाँ पर देख लो कॉक्स एंड किंग, बहुत सारे लोग जो हैं कॉक्स एंड किंग में भी पैसा लगाए हैं। आप सोचो, जब दोस्तों कॉक्स एंड किंग में थोड़ी बहुत अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था, तो बहुत लोग जो है ऐसे स्टॉक में अपना पैसा लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ दोस्तों, कॉक्स एंड किंग लिमिटेड सेटअप इन 1758 इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इस्टेब्लिश ट्रेवल। मतलब कि दोस्तों ये कंपनी जो इंगेज है ट्रेवल में, अगर दोस्तों एयरपोर्ट बहुत सारे ऐसे जो हैं विजिट करने वाला जगह अगर यहाँ पर परेशानी आती है, तो ऐसे स्टॉक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी और लॉस देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ये सेक्टर से दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल आपको बताने वाले हैं कि जो अफेक्टेड है कोरोना वायरस से, ऐसी कंपनी को नुकसान हो सकता है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें आपको एडवांटेज भी देखा जाएगा। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ये कंपनी में आपको देखा जा रहा है, लेकिन और बहुत सारे हैं जिसमें आपको अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा और सस्ते से सस्ते आपको वैल्यूएशन पे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अप टू डेट आपको न्यूज़ यहाँ पर हम बताते रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितना भी मैंने आपको डेटा बताया वो इंटरनेट के बेस्ड पे मैंने बताया दोस्तों, ये सारी जानकारी इंटरनेट में पाई जा रही है, आप वहाँ पर देख सकते हो जो भी डेटा है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, मैंने आपको सब कुछ दिखाया दोस्तों। यहाँ पर जो था वही मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको यहाँ से थोड़ा सा जो है अपने आप को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरफ रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।